हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल गुरुकुल। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एंड देन वेरीफाई द आंसर्स। सो द फर्स्ट पार्ट है 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 18 और 3x plus 21 is equal to 18 or 3x is equal to 18 minus 21. अब ये 21 minus क्यों हो गया? Because वो left hand side से right hand side shift हुआ, तो जो भी sign होता है वो reverse हो जाता है. और 3x is equal to minus 3 और x is equal to minus 3 by 3, so 3 and 3 gets cancelled और x is equal to minus 1. तो अब हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया, अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे. और वेरीफाई कैसे करेंगे? इसी इक्वेशन पे x की जगह उसका वैल्यू प्लेस करेंगे. सो 3 minus 1 plus 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 18 और माइनस 3 प्लस 21, 3 7 इज 21 इज इक्वल टू 18 और 21 माइनस 3 होता है 18, 18 इज इक्वल टू 18, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज वेरीफाइड. Now the second part of this sum is 2 bracket x minus 1 bracket close is equal to x plus 2. So bracket ko jab kholenge to wo hoga 2x minus 2 is equal to x plus 2. So sara x hum log left hand side mein le jayenge aur numbers ko right hand side mein. So or 2x minus x is equal to 2 plus 2. साइन आई होप सो समझ में आ गया होगा, रिवर्स हो जाएगा और x इज इक्वल टू 4. तो x का वैल्यू निकल गया है, अब चलिए वेरीफाई करते हैं. सो 2 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 प्लस 2. सो ये हो गया. देखिए इसको दो तरीका है करने का. पहला तो स्ट्रेट अवे 2 4 minus 1 is 3 is equal to 4 plus 2. अब ब्रैकेट खोलेंगे और 6 is equal to 6. Therefore, left hand side is equal to right hand side which is verified. और जो दूसरा तरीका हम बोले थे, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रेट अवे माइनस किए और बाहर जो ब्रैकेट के बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए. और दूसरा वे था 2 4 minus 1 is equal to 4 plus 2. तो 2 4 is 8 minus 2 1 is 2 is equal to 4 plus 2. 8 minus 2 is 6 is equal to 6. So, इसको आप दो तरीके से भी कर सकते हैं. The third part of question number 6 is 3x minus 1 by 3 is equal to 2 bracket x minus 1 by 2 bracket closed plus 5. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे 3x minus 1 by 3 is equal to, अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 into x is 2x minus, अब ये देखिए 2 into half, okay, plus 5 और 3x minus 1 by 3 is equal to, अब ये देखिए मल्टीप्लाई जो किए तो 2 and 2 got cancelled, रह गया 1. So 2x minus 1 plus 5. अब x को सब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. 3x minus 2x is equal to 5 minus 1 plus 1 by 3 और
एक्स इज इक्वल टू, अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 3, सो नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1, 1 3 जा 3 5 जा 15, -3 प्लस 1, और एक्स इज इक्वल टू 15 -3 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13/3 और 4 1/3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम लोग इसी इक्वेशन में एक्स की जगह उसका वैल्यू को प्लेस करके वेरीफाई करेंगे, सो 3 इनटू 13/3, ठीक है, -1/3 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 13/3 -1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 5। तो यहां देखिए 3 एंड 3 गॉट कैंसल्ड, तो ये हो गया 13 -1/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 इंटू 13/3 -2 इंटू 1/2 प्लस 5, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर इज 1, सो 1 3 13 3 साइज 39 -1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, सो वी विल मल्टीप्लाई 13 2 जा इज 26/3 -2 एंड 2 गॉट कैंसल्ड, बच गया 1 प्लस 5, और ये हो गया 38/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, सो 26 -3 प्लस 15 और 38/3 इज इक्वल टू, सो पहले पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 26 प्लस 15 गिव्स अस 41, और 41 से 3 माइनस करने से हम लोगों को मिलता है 38/3, सो एज यू कैन सी देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। द फोर्थ पार्ट ऑफ सम नंबर 5 इज 4 ब्रैकेट 2x -1 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट x -5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट x +1 ब्रैकेट क्लोज +3, और 4 2 जा 8x -4 1 जा 4 -2x माइनस इनटू माइनस इज +10 इज इक्वल टू 5x +5 +3। अब सारा x हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, 8x -2x ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड था, अब यहां से आ गया 5x, तो वो हो जाएगा -5x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 -10 प्लस 4, सो 8 माइनस 2 इज 6, 6 माइनस 5 इज 1, और x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 10 इज 2, तो x का वैल्यू हम लोगों को मिल गया विच इज 2। अब हम लोग इसी वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे और वेरीफाई करेंगे, सो 4 ये है 2x, सो 2 इंटू 2 इज 4 -1 ब्रैकेट क्लोज्ड -2, अब ये है 2 -5 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3। नेक्स्ट लाइन,
4 into 4 minus 1 is 3 minus 2 into minus 5 plus 2 is minus 3 is equal to 5 into 3 plus 3. जैसा कि आपको प्रीवियस सम में बोले थे, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं या इंडिविजुअली आप उसको मल्टीप्लाई करिए. द चॉइस इज योर्स. सो ये हो गया 12, ये अंदर का हो जाएगा माइनस 6, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस 6 इज इक्वल टू 5 3 15 प्लस 3 और 12 प्लस 6 इज 18, 15 प्लस 3 इज 18 which is equal, therefore left hand side is equal to right hand side which is verified. So with this we come to the end of exercise 9.5. Thanks for watching my video and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon and select all for every update.